ओके सो हाय गाइस, आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो फाइनली गाइस यहाँ पर जायस्कोप को ऑलवेज ऑन पे कर लेते हैं। और गाइस हमारे पास है यहाँ पर रेडमी वाई टू, जो भी जिसमें पर्सनली खेलता हूँ, ठीक है, लो एंड डिवाइस वाला। तो बहुत सारे बंदे बोलते थे कि लो एंड डिवाइस का एक सेंसिविटी ला जिसमें तू रेडमी वाई टू में जिसमें खेलता है वो सेंसिविटी बता। तो गाइस ये आपके लिए लेकर आऊँगा वीडियो, रेडमी वाई टू वाला सेंसिविटी यहाँ पर मैं दूंगा और गाइस आपको कोड भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस वीडियो को पूरा देखना, हेल्प मिले तो यार लाइक कमेंट जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। हाँ तो गाइस यहाँ पर मैंने बहुत सारे बंदे जो बोल रहे थे कि कमेंट में कि Redmi Y2 का सेंसिविटी दिखा देना, तो गाइज अभी जो मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ ये Redmi Y2 का है। और गाइज स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने जो यूज़ किया वो AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, और मैं बिना हेडफोन का यहाँ पर रिकॉर्ड किया हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड नॉइज़ उतना नहीं आया है, मैं गेट बंद करके यहाँ पर रिकॉर्ड किया था तो उतना बैकग्राउंड मतलब जो नॉइज़ आता वो नहीं आया, ठीक है। तो आप भी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आपके पास एक मतलब थोड़ी बहुत लो एंड डिवाइस है उसमें गेम चल जाती है अच्छी खासी, तो गाइज आप वहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। और अभी आते हैं सेंसिटिविटी में, तो गाइज यहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा और कोड बहुत सारे बंदे का वर्क नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि गाइज देखो मैं हर बार जो है दो तीन दिन में सेंसिटिविटी चेंज कर देता हूँ, तो गाइज कोड इसलिए वर्क नहीं करता। और गाइज मुझे चेंज करना पड़ता है कि आप लोगों को बोलते हो कि मेरा वर्क नहीं कर रहा, तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत बढ़ाता हूँ या फिर घटाता हूँ सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मेरा जो कोड वर्क नहीं होता, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लास्ट में आपको सेंसिटिविटी भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जो मैं सेंसिटिविटी दिखाऊंगा वो आप स्क्रीन शॉट मार लेना और कहीं पर लिख लेना, ठीक है। पेन तो आपके पास होगा ही, कहीं पर लिख लेना और गाइज सेंसिटिविटी आने के बाद वो देख के आप इजिली सेट कर लेना, ठीक है। तो गाइज तीन गो तो सेंसिटिविटी होता है गाइज, कैमरा, ADS और जायरोस्कोप, ठीक है। अगर आपको जायरोस्कोप फोन में है तो ये जायरोस्कोप आप लगा सकते हो, और नहीं है जायरोस्कोप तो गाइज नॉन जायरोस्कोप भी सेट कर सकते हो। तो फाइनली गाइज यहाँ पर आप चलो सेंसिटिविटी कंट्रोल और सारा कुछ लेआउट वगैरह कोड वगैरह सारा कुछ दिखा देते। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हो तो कैमरा सेंसिटिविटी ऊपर में था, सॉरी गाइज कैमरा का जो फ्री लुक होता है, ठीक है, जो आई बटन का काम करता उसका था, और ये गाइज कैमरा, और इसके नीचे आता गाइज ADS जो आपका रिकॉल को कंट्रोल करता, और इसके नीचे जो आता है गाइज वो है जायरोस्कोप, ठीक है। तो अगर आपका जायरोस्कोप चलता तो ये आप सेंसिटिविटी रख सकते हो, ठीक है। और अगर आपका थोड़ा हाई एंड डिवाइस है तो आप गाइज थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हो, ठीक है। और मिड रेंज लो एंड डिवाइस के लिए ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया। फाइनली यहाँ पर लेआउट मैनेजमेंट बात है, आपको यहाँ पर कोड हम दिखा देते हैं, जो गाइज कोड आपका अगर वर्क करे तो दो तीन दिन में ये कोड इजिली वर्क हो सकता है, आप ये कोड डाल के देख लेना। जैसे यहाँ पर बीच बीच में माइनस भी लिखा वो भी आपको सर्च करने का टाइम आपको लिखना, ठीक है, तभी आपका जो है सर्च हो सकता है। अभी चलो अपने हम कंट्रोल पे आते हैं और आपको लेआउट भी दिखा देते हैं, मतलब मेरा कंट्रोल, ठीक है, जो फिंगर वगैरह कहाँ कहाँ मैं यूज़ करता हूँ। तो मेरा 5 फिंगर है, तो गाइज यहाँ पर आप क्लॉ देख सकते हो मेरा, आप सेटअप तो खुद देखते ही हो मेरा, तो यहाँ पर देख सकते हो ये मतलब कंट्रोल का मेरा लेआउट कोड जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये लगा लेना, नहीं वर्क हो तो स्क्रीनशॉट मार लो यार सेंसिटिविटी वाला, और आप कहीं लिख कर इजिली आप सेट कर लेना, ठीक है, सेंसिटिविटी पे आने के बाद। तो गाइज ये वीडियो में इतना ही था, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।